और भाई लोग कैसे हो? काफ़ी अच्छा गेम लेके आया हूँ। और मैक्सिमम इस गेम को खेलने के लिए ना भाई 10 GB रैम होना चाहिए। इसमें काफ़ी सारे करेक्टर हैं, मैप्स हैं, जिसे मिशन पूरा करना होता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे किए हैं और ये बचा हुआ है, तो इसे आज मैं पूरा करूँगा इस मिशन को। तो मैक्सिमम 10 GB रैम होना चाहिए गेम खेलने के लिए, और काफ़ी अच्छा गेम है। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं 500 सब्सक्राइबर डन करवा दोगे तो मैं गेम का नाम बता दूंगा लास्ट में, और ज़्यादा नहीं, बस 500। तो यार चलो गेम खेलते हैं, गेम काफ़ी अच्छा है। वैसे स्टार्टेड गेम स्टार्ट हो रहा है, करेक्टर भी बहुत सारे हैं। मैंने 6 3 4 करेक्टर ओपन किए, 3 तो 5 करेक्टर ओपन किए, जिसमें खेलना चाहते हो खेल सकते हो आप करेक्टर, और एक साथ तीनों करेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये देखते हैं, अभी मिशन स्टार्ट होगा मेरा। यहाँ से मैंने करेक्टर अपना चुनना है, मैंने अपना करेक्टर चुन लिया जो भी है मेरा, और गेम अभी स्टार्ट होने वाला है। ये देखो कितना खतरनाक ग्राफिक है गेम का, ये देखना। वो देखो मतलब रोबोट वगैरह भी आता है, तो मारने के लिए तुम्हारे पास रोबोट्स वगैरह सब कुछ आएंगे गेम में, जिसके साथ तुम खेल सकते हो। काफ़ी मतलब फारू सिस्टम है गेम का, ये देखना भी पूरा फारू एकदम भाई। फटाफट जिसे जिसके पास रैम अच्छा है गेम का, मतलब फ़ोन का, वो खेल सकता है गेम, और काफ़ी एक्टिव गेम है, मतलब फास्ट गेम है। ये देखो एनिमीज भी ऐसे आते हैं ना, जैसे कि मतलब एलियंस टाइप में एनिमीज होते हैं सारे के सारे, मतलब काफ़ी अच्छा गेम है। करेक्टर भी अच्छे अच्छे हैं, ये शॉर्ट गन्स का करेक्टर, इसलिए इतना टाइम लग रहा है इसे मारने में, समझ नहीं आ रहा है। शॉर्ट गन मैंने करेक्टर चूज़ किया ना, जो अभी करेक्टर चेंज करूँगा, जैसे देखना ऊपर से ये 3 दिख रहे हैं ना ऊपर आपको राइट साइड में, ये तीनों करेक्टर है मेरे जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ। अभी करेक्टर चेंज करूँगा, ये देखो मतलब हर जगह वो लगा हुआ है गन्स वगैरह, दीवार में भी आपको मारने के लिए। मिशन पूरा करना होता है, मिशन पूरा करो, लेवल अप करो और अनलॉक करो, मतलब अनलॉक करके आप दूसरा लेवल पार कर सकते हो, दूसरा मैप खेल सकते हो। काफ़ी अच्छे मिशन से गन्स वगैरह ओपन कर सकते हो नए नए, काफ़ी अच्छे अच्छे गन्स के करेक्टर हैं, करेक्टर भी अच्छे अच्छे हैं लड़की के, और सारे फीमेल करेक्टर हैं, मेल नहीं है इस गेम में। काफ़ी अच्छा गेम है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को गेम खेल के। आई थिंक सारे गेम ऑनलाइन है, ऑफलाइन गेम नहीं है मेरे ख्याल से। और गेम काफ़ी अच्छा, अभी देखना अंदर जाऊंगा। ये देखो 2 बंदे यहाँ पे खड़े हैं, इसको दोनों को मारूंगा धड़ाक से। भी तुम ये खड़ाक डैमेज नहीं पड़ रहा इसको, मतलब जब तक हेड शॉट नहीं लगता ना शॉट गन से, तब तक ख़त्म कहानी नहीं होता एक बार में। ये देखना जब तक हेड नहीं लगेगा ना, देखो नहीं लगा हेड, नहीं हुआ एक बार में, ऐसे भी डैमेज तो मर ही जाएगा। तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 500 सब्सक्राइबर करा दो, गेम का नाम बता दूंगा, काफ़ी अच्छा गेम है, और आप सब खेल के देखना। जाना कहाँ है यार, वही मैंने करेक्टर चेंज किया, पर ये करेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शॉर्ट गन है इसके पास। जब प्रॉपर गन खरीद लूँगा इसके लिए तब उससे खेलूँगा, क्योंकि ड्रेस और उसके वो अच्छे लगते हैं। तो ये देखो एनिमीज कैसे खतरनाक खतरनाक है, खतरा लगा दिया मैंने अपना मैन पावर सारा एक ही बार, क्योंकि बहुत सारे बंदे थे, लेकिन इसके मैन पावर से कुछ हुआ नहीं। फर्स्ट करेक्टर वाले का पावर देखोगे तो मज़ा आया था, ख़त्म एक बार में सारा खेल खत्म। चलो भाई फटाफट फटाफट वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, गेम काफ़ी अच्छा है। गेम का नाम बता दूंगा, बस 500 सब्सक्राइबर डन करवा देना डार्लिंग, ज़्यादा नहीं, इतना तो करवा ही सकते अपने भाई के लिए यार। ये गेम इतना बढ़िया मस्त गेम लेके आया हूँ ना, iOS में चलेगा भाई, iPhone में आराम से चलेगा। मैक्सिमम अगर आप एंड्रॉयड में खेलते हो तो 10 GB रैम चाहिए उसके लिए, तब जाके आप इस गेम को प्ले कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर फाइल जो होगा ना इसका 10 GB का फाइल है। मैंने डाउनलोड तो कर लिया, फिर देखा तो मैंने कहा साला इसने तो पूरा फोन की खा ली लंका। मिशन कंप्लीट हो गया, अब देखो नेक्स्ट मिशन कितना खतरनाक आएगा। अभी वी नीड टू कीप मूविंग, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये ओपन कर लिया मैंने, ये मेरा कैरेक्टर ओपन हो रहा है, ये 3 पार्ट सभी खुले हैं मेरे, मतलब 3 मैप्स, अब मैं खेल सकता हूँ। सो गेम स्टार्ट, वी आर गो, टेक ये देखो स्टार्ट हो गया ना। एनिमी फोर, ये मेरा एनिमी, देखो कितना खतरनाक एनिमी है,
मतलब रोबोट टाइप में है, एलियंस वगैरह टाइप में आता है, उसके साथ फाइट करना होता है। और मैप्स भी ऐसे ऐसे ना, ऊपर नीचे, मतलब बहुत ही खतरनाक मैप है। देखो इसकी डैमेज, इसे डैमेज ही नहीं मिल रहा साले को, इतना मारने के बाद हराम, कितना कितना मार दिया पर डैमेज नहीं पकड़ रहा। अरे कहाँ गया ये रहा, मार एकदम, मतलब प्लस हो जा रहा। देखो ना वो मेरे को मारता है ना, उससे उसको प्लस हो जाता है। अगर मैं उसको मारूंगा ना, उससे जो मतलब वो निकलता है उससे मेरा प्लस होता है, लेकिन अभी प्लस हो नहीं रहा है। और लॉक लगा हुआ है चारों साइड मैप्स में। फिर अभी तक देखो यहाँ पे ना, लेफ्ट साइड में वो दिया गया है डायग्राम कैसे मारना है एनिमीज को। अभी देखना कैसे मारूंगा खतरनाक तरीके से। मेरे को भी ना बाद में पता चलता है, जब मैं खेलते खेलते ही साल देखता हूँ ये डैमेज मिल नहीं रहा है, और डैमेज मिल रहा है तो हाई कैसे हो रहा है इसका। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, डायग्राम दिया हुआ है उसको कैसे मारना है। जब मैं अपने दूसरे करेक्टर में मतलब चेंजिंग करता हूँ तब जाके इसको डैमेज मिलेगा। अगर जब तक मैं करेक्टर चेंज नहीं करूँगा इसे कोई डैमेज नहीं मिलेगा। इसका हेल्थ अपग्रेड हो जाएगा खुद, देखो कितना सर हेल्थ गया इसका, मेरा देखो काफी अच्छा गया। मैं यार मजा आ जाता है खेल के, फटाफट लाइक कर दो यार चैनल को, वीडियो को। ये देखो ये मैंने मारा, उसको देखना कोई डैमेज मिलेगा, डैमेज मिला एकदम नाम का मिला है बस थोड़ा सा, मुझे देखो कितना डैमेज मिला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर फुल हो जाएगा अभी इसका डैमेज, देखो फुल हो गया सारा, हो जाएगा फुल हो गया। अब देखो फुल हो गया, पूरा डैमेज फुल हो जाता है यार, बहुत टेंशन होता है, बड़े मुश्किल से पार किया हूँ ये लेवल। देखो फुल हो गया ना सारा लेवल इसका, मतलब जितना भी डैमेज दिया था सब ओके हो गया, फिर से ताजा हो गया। इसमें ना सामने लिखा हुआ आता है कौन सा एनिमी आप कैसे मारोगे, लेफ्ट साइड में है कभी राइट में, तो उसको देख के आप खेल सकते हो। अभी अच्छा गेम है, इसकी बस सेटिंग करनी पड़ेगी मेरे को, ये जो गन्स पॉइंट वगैरह है, गन्स पॉइंट जो भी है सेम पबजी वाला ही मैं इसमें लाऊंगा, मतलब सेटिंग करूंगा फोर फिंगर वाला, तब मज़ा आएगा खेलने में, क्योंकि आदत फोर फिंगर का हो चुका है ना, फोर फिंगर थ्री फिंगर का। ऐसा अच्छा तो ये भी लग रहा है लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट। देखो अब देखो डैमेज कब होगा, वो देखो ऊपर कैरेक्टर चेंज करने का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करूँगा देखना, मतलब कैरेक्टर चेंज नहीं होता वो मेरे अंदर आ जाता है एक तरह से, तो होता है कि ये मारा मैंने डैमेज लिया, अब मैं इधर पढ़ूँगा कैसे मरता है ये देख। अभी नहीं है, आप देखो मैंने किया वो देखो किया ना ऊपर, देखो राइट साइड में देखो अब डैमेज मिला इसे। फिर से जैसे वो फुल होगा फिर से चेंज करूँगा, मारने के बाद डैमेज दिया और फिर से चेंज कर, देखो प्लस हो रहा है उसका हेल्थ मारने के बाद। ये देखो काफ़ी टाइम तक फाइट चलता है भाई, बहुत खतरनाक है, नहीं मरता ही नहीं है साला इतना मारने के बाद। ये देखो ये चला अपना जादू की छड़ी, चप्पी से मारूंगा फटके फटाक फट 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 सब फटाक। अब देखो अब कैरेक्टर चेंज करूँगा, क्या कैरेक्टर चेंज, अब देखो अब डैमेज उसका देखना, अब कहाँ गया ये देखो डैमेज हुआ ना, अब देख जितने बार करेक्टर चेंज करूँगा उतने बार इसको डैमेज मिलेगा, करेक्टर चेंज नहीं करूँगा डैमेज नहीं मिलेगा इसको। देखो अब डैमेज हो रहा है ना, यही है भाई गेम बहुत शानदार है, लेकिन तब पर भी यार बहुत खतरनाक एनिमी है, काफ़ी टाइम लग जाता है मारने में इसको, काफ़ी टाइम हद से ज़्यादा, इतना में तो गेम ख़त्म हो जाता था इसका, मतलब मिशन पूरा कर क्लियर कर देता था, मतलब फुल हुआ। ये मारूंगा पहले पावर वाला, इससे मारा फिर दूसरा चलाऊंगा एक और है,
वो चला गया। अब ऊपर करेक्टर चेंज किया मैंने, कहाँ गया, नीचे गया, वो ऊपर आया, आया साला मरता ही नहीं है इतना मारने के बाद, क्या खा के आया अभी, पूछो मर जा, नहीं मरा, देखना fully loaded. अभी देखो इसे मार के ना बताओ, यहाँ से नीचे गिरा हुआ ना, जब उसके बाद जब आएगा ना पूरा फुल, मतलब फुल एचपी के साथ आएगा बंदा, एनिमी जो है फुल एचपी लेके, साला इतना बुरा लगता है, गुस्सा आता है ना कि साला जीता हो गया, लगता है कि हार जाऊंगा, एकदम से लग रहा है अब तो हार गया, अब तो हार गया, लेकिन एन मौके पर तेरा भाई क्लास कर देगा इसको, देखो आधा से भी ज्यादा ले आया ना, अब देख इसे मारूंगा एक बार और, अभी तो ऐसे ही खेलूंगा खेलते 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 खेलते, अभी देखना मारूंगा करेक्टर चेंज करके मारा, पूरा ये अब खत्म ही होने वाला होता है, मतलब अब ये मरने वाला होता है, तो आया अब इधर से मारूंगा, फुली लोडेड, पूरा टाइम लेता है यार ये करेक्टर चेंज किया मारा, बहुत खाया हुआ बंदा भाई, एनिमी बहुत खतरनाक एनिमी, अब पावर चलाऊंगा पावर, चल जादू की छड़ी, जादू की छड़ी चलाऊंगा, अभी चलाऊंगा जादू की छड़ी, मुझे लगता है कि गेम अब तो मैं जीत ही गया, थोड़ा सा बचा एक बार जादू की छड़ी, करेक्टर चेंज, कहानी खत्म, इसलिए नॉर्मली मार रहा हूँ उसे, आइए देख मारा, अब जादू की छड़ी चलाऊंगा, चलाया जादू की छड़ी, अब देख साला कितना कमीना है, कहाँ गया, इधर गया, निकल, ये देख चलाया, पानी खत्म, गायब हो गया, मुझे लगा मैं जीत गया मिशन, अब देखना साला कहाँ से आ जाएगा, ये देखो फुल एचपी, इतना गुस्सा आया ना कि भाई कितना गंदा एनिमी भेजा है खेलने के लिए, लेकिन तेरा भाई भी मानता नहीं है, मार के छोड़ता है इसको, कुत्ते की तरह मारता है भाई, कुत्ते की तरह एकदम भगा भगा के, वो भी मारता है, ऐसी बात नहीं, उसको जितना मारूंगा उसका जो डैमेज होगा वो मेरे को लगेगा और मेरा डैमेज उसको लगेगा, इसलिए ये मारा करेक्टर चेंज किया मैं, शट ऑफ, अब देखना एक ये फिर डन, करेक्टर चेंज नहीं, बाबा देखो कितना खतरनाक है, करेक्टर चेंज किया मारा, नीचे गया, गया नीचे, गया नीचे फुट से, अब कहानी खत्म हो जाएगा इसका, मैं जीत गया, मिशन कंप्लीट, तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, 500 सब्सक्राइबर टर्न करवा दो, गेम का नाम बता दूंगा, काफ़ी अच्छा गेम है, खेल के देखना मज़ा आएगा, और नेक्स्ट मिशन नेक्स्ट डे आएगा, इसका अगला मिशन जो इससे पहले वाला कर रहा था उसके बाद वाला जो छोड़ दिया वो मिशन, उसका भी अच्छा मतलब खतरनाक वाला मिशन है वो, चलो थैंक यू भाई लोग, वीडियो देखो इंजॉय करो गेम, मिलते हैं कल, गुड नाइट।